दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग कंपेयर करेंगे दो स्मार्टफोन को। फर्स्ट हो गया आपका ओप्पो K10 5G के साथ कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F23 फोन का। तो दोनों बहुत ही पॉपुलर एक स्मार्टफोन है। तो यहाँ पे हम लोगों को कंपेयर करने के बहुत सारा रीजन है, क्योंकि दोनों फोन का अगर आप मार्केट प्राइस चेक करोगे फ्लिपकार्ट पे या कहीं और, तो मोर और लेस एक ही रेंज में आता है, प्लस माइनस 500 का रेंज में आप लोगों का आ जाएगा। और दोनों फोन ही 5G है, और आप लोग देखिएगा तो कॉन्फिगरेशन डिस्प्ले साइज मोर और लेस सेम है। तो आज हम लोग इन डिटेल में जितना सारा फीचर है सबका वहाँ कंपेयर करेंगे, और कौन सा फीचर कहाँ पे अच्छा है ये भी बताएंगे। तो जरूर आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। और YouTube एंड टेक रिलेटेड वीडियोस जैसे मोबाइल फोन रिव्यूज इस टाइप का वीडियोस देखने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मेन कंपैरिजन पे। तो हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पूरा कंपैरिजन करेंगे सैमसंग F23 5G इस मॉडल के साथ ओप्पो K10 5G इस मॉडल को, स्मार्टफोन को। तो दोनों एक्चुअली मोर और लेस एक ही टाइम पे रिलीज हुआ था, मतलब लॉन्च हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे दोनों फोन लॉन्च हो चुका था। तो अगर आप लोग प्राइस कंपेयर करोगे तो दोनों फोन ही आप लोगों को मिल जाएगा 16 से 17 हजार के अंदर, 16 से 17 हजार के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए रैम एंड स्टोरेज का अगर आप वेराइटीज यहाँ पे चेक करोगे तो दो वेराइटीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी F23 5G को। तो देखिए यहाँ पे 4GB 128GB का प्राइस है अराउंड 16,000, और 6GB 128GB का करंट प्राइस है 17,000। और अपोजिट साइड में देखिए ओप्पो K10 5G का एक 6 वेरिएंट वाला आता है और एक 8GB वेरिएंट वाला आता है, 6GB वेरिएंट एंड 8GB वेरिएंट। तो 6GB 128GB इसका इस वेरिएंट का प्राइस करंट प्राइस है 16,500, और 8GB 128GB आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन, आप लोगों को मिल जाएगा अराउंड 17,000। तो नेक्स्ट चलते हैं कलर वेरिएंट क्या क्या मिलता है। तो आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी F23 5G यहाँ पे 3 कलर वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग फोटो में देख पा रहे हो यहाँ पे एक ब्लू कलर वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा, दूसरा एक कॉपर कलर वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा, और थर्ड आप लोगों को एक कलर मिलेगा दैट इज फॉरेस्ट ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर वेरायटी आप लोगों को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर टोटल 3 वेरिएंट है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप लोग खरीद सकते हो, चूज कर सकते हो। अपोजिट साइड में हम लोग अगर ओप्पो K10 5G का देखेंगे तो यहाँ पे 2 कलर वेरिएंट है, एक हो गया आपका ब्लैक वेरिएंट है और सेकंड ब्लू वेरिएंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं डायमेंशन हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे 3 चीज प्रॉपरली हम लोग को देखना है, एक हो गया हाइट, दूसरा विथ एंड थर्ड हो गया थिकनेस। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। सैमसंग गैलेक्सी F23 5G का टोटल हाइट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 16.55 सेंटीमीटर, और विथ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 7.70 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस आपका यहाँ पे 0.84 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड में हम लोग अगर ओप्पो K10 5G को देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा हाइट यहाँ पे 16.38 सेंटीमीटर, विथ मिल जाएगा यहाँ पे 7.51 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस 0.80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप लोग डायमेंशन को कंपेयर करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F23 ज़्यादा लंबा है, थोड़ा ज़्यादा लंबा है। विथ यहाँ पे देखिए सैमसंग गैलेक्सी F23 का विथ भी ज़्यादा है, और थिकनेस भी आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। मतलब उल्टा तरफ आप ये भी बोल सकते हो ओप्पो K10 5G थोड़ा हैंडी है और मतलब थिन भी है। तो अगर आपको थिन फोन चाहिए तो आप लोग ओप्पो K10 5G को सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा कंपेरेटिवली मोटा चाहिए तो आप लोग सैमसंग गैलेक्सी F23 5G को यहाँ पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं वेट, कौन कितना भारी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम लोग देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी F23 5G, इनका टोटल वेट है 198 ग्राम, और अपोजिट साइड में यहाँ पे ओप्पो K10 5G इसका टोटल वेट हो गया 190 ग्राम, मतलब 190 एंड 198 ग्राम। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F23 5G 8 ग्राम ज़्यादा भारी है। तो आप लोगों को अगर थोड़ा हल्का फ़ोन चाहिए तो आप लोग खरीद सकते हो ओप्पो K10 5G, और अगर आपको थोड़ा सा भारी फ़ोन चाहिए पसंद है थोड़ा, तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो सैमसंग गैलेक्सी F23 5G को। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिस्प्ले कंपैरिजन। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि एक मोबाइल का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है मोबाइल डिस्प्ले। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट हम लोग सैमसंग गैलेक्सी F23 को देखेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले टाइप क्या है, डिस्प्ले टाइप आप लोगों को मिल जाता है TFT डिस्प्ले विथ 16M कलर्स, और ओप्पो K10 अपोजिट साइड में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा IPS LCD डिस्प्ले विथ 16M कलर्स। मतलब कलर तो ठीक है,
फिर एक में आप लोगों को TFT डिस्प्ले मिलेगा और दूसरा साइड में IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्प्ले साइज, किसका डिस्प्ले साइज ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F23 में आप लोगों को मिलता है 6.6 इंच का एक डिस्प्ले, और ओप्पो K10 5G में आप लोगों को मिल जाएगा 6.56 इंच का एक डिस्प्ले। तो दोनों डिस्प्ले में अगर आप कंपैरिजन करोगे, कंपेयर करोगे, तो आप लोगों को बड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा, थोड़ा लार्जर डिस्प्ले मिल जाएगा आपको सैमसंग गैलेक्सी F23। तो अगर आपको थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए दोनों में से, तो आप लोगों को जाना होगा सैमसंग गैलेक्सी F23 की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसका रिजोल्यूशन बेटर है, किसका रिजोल्यूशन बेटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 यहाँ पे आप लोगों को मिलता है 2408x1080 पिक्सल का एक रिजोल्यूशन, और जहाँ पे है 400 PPI, जहाँ पे है पिक्सल डेंसिटी 400 PPI। और अपोजिट साइड में हम लोग देखेंगे ओप्पो K10 5G का मैक्सिमम रिजोल्यूशन है 1612x720 पिक्सल, और यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी होगी आपका 269 PPI। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर आपको बेटर रिजोल्यूशन चाहिए, तो आपको जाना होगा सैमसंग गैलेक्सी F23 की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छा डिस्प्ले मिलेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं रिफ्रेश रेट, किसका रिफ्रेश रेट ज़्यादा है। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है 120Hz का एक वाइब्रेंट डिस्प्ले, और ऑपोजिट साइड में ओप्पो K10 यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ मिलता है 90Hz का एक डिस्प्ले। तो अगर आपको एक अच्छा सा डिस्प्ले चाहिए जहाँ पे एनिमेशन बहुत अच्छे तरीके से काम करे, बहुत अच्छा इफेक्ट आए, तो उस मतलब स्मूथ एक वाइब्रेंट डिस्प्ले आपको आउटपुट निकाल के दे, तो उस सिचुएशन में आपको जाना होगा सैमसंग गैलेक्सी F20 की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 82.3%, और उल्टा तरफ ओप्पो K10 5G यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आप लोगों को मिल जाएगा 89.3% ऑलमोस्ट। तो अगर आप स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखोगे तो ओप्पो में आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं एस्पेक्ट रेशियो, तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F23 में एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है 20.9, एंड ओप्पो K10 5G में एस्पेक्ट रेशियो आप लोगों को मिलता है 20.1:9। तो नेक्स्ट चलते हैं ग्लास टाइप, मतलब डिस्प्ले के ऊपर जो ग्लास मिलता है उसका क्वालिटी कितना है। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 यहाँ पे एक गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, और दूसरा तरफ ओप्पो K10 5G में आप लोगों को मिलता है पंडा ग्लास। तो देखिए कोई खराब नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे मतलब कंपैरिजन आप लोगों को करना है। तो गोरिल्ला ग्लास का कुछ अच्छा साइड है और पंडा ग्लास का भी कुछ अच्छा साइड है। तो देखिए गोरिल्ला ग्लास के यहाँ पे अच्छा साइड बोले तो यहाँ पे मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट, मतलब स्क्रैच आप रोक सकता है और ज्यादा दिन चलता है, मोर ड्यूरेबल। और पांडा ग्लास की बात करें तो पांडा ग्लास मोर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। तो दोनों को अलग अलग चीज है, गोरिल्ला ग्लास में आपको स्क्रैच रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है और ड्यूरेबल ज्यादा है, और पांडा ग्लास में यहाँ पे एक्सीलेंट ट्रांसपेरेंसी मिलता है। तो नेक्स्ट चलता है कैमरा, जो नोच होता है डिस्प्ले के ऊपर, तो दोनों में आप लोगों को यहाँ पे वाटर ड्रॉप नोच आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, मतलब मोर और लेस सेम ही है दोनों। और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट है पिक्सल डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले के लिए। तो देखिए सैमसंग गैलेक्सी F23 5G में आप लोगों को मिल जाएगा 400 PPI का एक पिक्सल डेंसिटी, और उल्टा तरफ ओप्पो K10 यहाँ पे आप लोगों को 269 PPI का एक पिक्सल डेंसिटी मिल जाता है। तो पिक्सल अकॉर्डिंग मतलब पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको बेटर मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी F23 में। तो नेक्स्ट बात करेंगे रैम एंड स्टोरेज को लेके, तो सैमसंग गैलेक्सी F23 यहाँ पे रैम वेरिएंट 2 मिलता है, 6GB वाला आप ले सकते हो या 8GB वाला लीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रैम को आप एक्सपेंड कर सकते हो अप टू 12GB। सैमसंग गैलेक्सी F23 में आप लोग रैम को एक्सपेंड कर सकते हो अप टू 12GB तक, और उल्टा तरफ ओप्पो K10 और आप लोग रैम को मैक्सिमम एक्सपेंड कर सकते हो 5GB तक। तो आप लोग यहाँ पे रैम को एक्सपेंड कर सकते हो 5GB तक। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो रैम एक्सपेंशन के मामले में सैमसंग यहाँ पे विनर है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा आप लोग बहुत ही ज़्यादा आप लोग एक्सपेंशन कर सकते हो रैम को, तो आपको स्टोरेज भी ज़्यादा मिलेगा। तो स्टोरेज देख लेते हैं, स्टोरेज यहाँ पे क्या कितना मिलता है। तो दोनों फोन में 120GB का एक मैक्सिमम स्टोरेज दिया जाता है मैक्सिमम वेराइटी का, और उसके बाद यहाँ पे जो स्टोरेज को आप एक्सपेंशन भी कर सकते हो दोनों में, सैमसंग गैलेक्सी एफ
सैमसंग गैलेक्सी F23 में आप 2 1 TB तक आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो और ओप्पो K10 5G में भी आप लोग 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टोरेज जो एक्सपेंशन है दोनों का ही सेम है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैमरा फीचर्स के बारे में तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 का जो रियर कैम है। तो यहाँ पे टोटल फर्स्ट एक आप लोगों को एक मिल जाता है 50 MP का एक वाइड एंगल कैमरा। उसके पास आप लोगों को मिलेगा 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और उसके नीचे 2 MP का एक डेप्थ सेंसर विथ LED फ्लैश। मतलब चार टोटल चीज है, 50 MP का वाइड एंगल कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 MP का एक डेप्थ सेंसर और एक आप लोगों को फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है। उल्टा तरफ आप लोग OPPO K10 में आप लोगों को मिल जाएगा 48 MP का एक कैमरा और उसके पास 2 MP का और एक कैमरा और LED लाइट मतलब LED फ्लैश लाइट दोनों में ही है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आप लोग रेयर कैमरा को यूज करके कितना हाई क्वालिटी का वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 में आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो मैक्सिमम 4K वीडियो, 1080 पिक्सल पे भी आप लोग कर सकते हो। और अपोजिट साइड में देखिए OPPO K10 5G में आप लोग 1080 पिक्सल तक मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो उसके बाद बात करते हैं फ्रंट कैमरा को लेके। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 में आप लोगों को फ्रंट कैमरा मिल जाएगा एक 8 MP का और उल्टा तरफ आप लोगों को OPPO K10 5G में आप लोगों को मिल जाएगा फ्रंट कैमरा 8 MP का। तो दोनों में ही सेम है। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग बैटरी। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 में आप लोगों को मिलता है एक 5000 mAh का लिथियम आयन बैटरी। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर भी है, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F23 में आप लोग फर्स्ट चार्जिंग सपोर्ट 25 W तक। तो यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस बॉक्स को खरीदोगे, जो फोन बॉक्स खरीदोगे, वहाँ पे कोई चार्जर नहीं होगा, वहाँ पे जैसे USB Type C का एक केबल होगा। तो चार्जर आपको अलग से खरीदना होगा, मैक्सिमम सपोर्ट करेगा फोन 25 W। और नेक्स्ट उल्टा तरफ हम लोग OPPO K10 5G को देखते हैं तो यहाँ पे 5000 mAh का लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चार्जर भी मिलेगा पैकेट के साथ, जो फोन का बॉक्स होता है उसके साथ एक चार्जर भी आप लोगों को दिया जाएगा 33 W का, जो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग से चार्जर खरीदना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का दावा है 30 मिनट में आप लोगों को 53% चार्जिंग करके देगा और 69 मिनट आप चार्ज करोगे तो यहाँ पे 100% चार्ज कर देगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे OPPO K10 5G चार्जिंग के मामले में थोड़ा आगे बढ़ चुका है क्योंकि यहाँ पे चार्जर ज्यादा ही फास्ट चार्जर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोसेसर। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 में आप लोगों को यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉइड 12 मिल जाता है। और उल्टा तरफ यहाँ पे देखिए OPPO K10 5G में भी आप लोगों को मिलता है एंड्रॉइड 12। तो नेक्स्ट देखेंगे किस में कौन सा चिपसेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सैमसंग गैलेक्सी F23 में आप लोगों को चिपसेट मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G जो एक 8 nm बेस्ड 5G चिप है। और उल्टा तरफ OPPO K10 5G इसमें आपको देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity 810 एक यहाँ पे चिपसेट, जो एक अच्छा खासा चिपसेट है, 6 nm बेस एक 5G चिपसेट है। तो आप लोग जो अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो दोनों ही ऑलमोस्ट मोर और लेस यहाँ पे सेम ही काम करता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है दोनों में। तो देखिए यहाँ पे अगर स्नैपड्रैगन 750G के साथ डायमेंसिटी 810 को कंपेयर करोगे तो डायमेंसिटी 810 बैटरी लाइफ थोड़ा ज्यादा निकाल के देता है, अदरवाइज गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह आप कुछ करोगे तो दोनों का ही सेम परफॉर्मेंस है। तो जितना माइन्यूट फर्क है आम यूज में कुछ काम का नहीं है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं CPU। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 में आप लोगों को 2.2 GHz का एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। उल्टा तरफ OPPO K10 5G इसमें आप लोगों को मिल जाएगा 2.4 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो यहाँ पे सैमसंग F23 में मिलता है 2.2 GHz और OPPO में मिलता है 2.4 GHz, मतलब थोड़ा फर्स्ट मिलेगा आपको OPPO K10 में। और उसके बाद ग्राफिक्स क्या है, तो सैमसंग गैलेक्सी F23 इसमें आप लोगों को ग्राफिक्स मिल जाएगा एंड्रेनो 619 और यहाँ पे ऑपोजिट तरफ OPPO K10 में आप लोगों को मिल जाएगा ARM Mali G57 MC2 ग्राफिक्स आप लोगों को मिल जाएगा। और कनेक्टिविटी की बात क्या ही करें, यहाँ पे दोनों फोन ही 5G सपोर्टेड है तो अप टू 5G नेटवर्क आप दोनों में यूज कर सकते हो। तो और मेमोरी कार्ड स्लॉट की बात करें तो दोनों फोन में सेपरेटेड यहाँ पे डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड SD कार्ड आप लोग सेपरेटली यूज कर सकते हो तीनों को, तो तीनों को एक ही साथ यूज कर सकते हो। कैमरा चार्जर की बात करें तो सैमसंग का
F23 बॉक्स के साथ कोई चार्जर नहीं आएगा, और ओप्पो K10 5G यहाँ पे चार्जर दिया जाता है, मतलब फोन का जितना सारा इक्विपमेंट है सब कुछ दिया जाता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना है, तो जरूर कॉमेंट करके पूछ सकते हो। तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे पहुंच गए तो जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।